है? हमने बेटे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कर लिया था लास्ट टाइम। लेट मी बिगिन विद आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देन आई विल बी डायरेक्टली स्विचिंग ओवर टू द केस ऑफ द एसी अप्लाई टू ए प्योर रेजिस्टर, देन टू एन इंडक्टर एंड देन टू ए कैपेसिटर एंड देन टू एलसीआर सीरीज सर्किट। सो लेट अस हैव आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ये क्या होता है, आइए बात करके देखें। बेटे जब हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बेटा, इट गिव्स अस बेटा द सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेडी करंट एंड वी आर इंटेंडिंग टू कैलकुलेट द अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट वी विल बी सेइंग इज दैट बेटा, इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक स्टेडी करंट है, आपने वो स्टेडी करंट किसी सर्किट को दिया, राइट? समझिएगा पहले बेटे डेफिनेशन को, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। आपके पास एक बेटे जनरल सर्किट है, आपने सर्किट को स्टेडी करंट सप्लाई कर दिया फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड नहीं लेंगे, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जब आप एसी सप्लाई स्टेडी करंट सप्लाई करोगे, सर्किट में से करंट फ्लो कर गया और सर्किट में आप जानते हैं कि एच इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी होता है। इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली आपके सर्किट में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ द स्टेडी करंट, राइट? बेटा मैं फिर से रिपीट करूं, डियर चिल्ड्रन, स्टेडी करंट है, आपने फुल टाइम पीरियड टी के लिए पास करवा दिया किसी सर्किट में से। सर्किट का मतलब यहां पे मेरा रेजिस्टेंस से है बेटा। फिर हमने क्या दिया, उसी सर्किट में से डियर चिल्ड्रन उतने ही टाइम के लिए, कितना टाइम, पूरा टाइम पीरियड टी, उसी सर्किट में से उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपने एसी पास करवा दी। पहले स्टेडी करंट पास करवाया था, अब एसी पास करवा दी, तो उस केस में हम बेटे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकाल कर उनको बेटे इक्वेट कर देंगे, वहां से हमें आरएमएस वैल्यू आपके करंट की मिल जाएगी बेटा। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा देता हूं बेटे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए सर्किट इन टाइम पीरियड कैपिटल टी एज इज प्रोड्यूस्ड बाई द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम बिटवीन। सो बच्चों जो मैंने बोला वो ही लिख दिया, डेफिनेशन को क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हो कि अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी ले लें, डी टी टाइम में कितना हीट आपका डिवेलप होगा, दैट विल बी अगेन स्मॉल डी एच बोलेंगे इसको बेटा। इट विल बी इक्वल टू बेटे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी करना पड़ेगा मुझे, है ना बेटा? टाइम थोड़ा है ना, स्मॉल टाइम है तो हीट भी थोड़ी होगी। और आप ये अच्छे से जानते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कर दें आपका अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज बेटा, ये साइन वेव फंक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बात।
इसको ये पीक वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जब आप ये प्लॉट करते थे ना, ये आपने करंट को ऐसे नहीं बनाया था, ये साइन वेव भी है ना बेटा आपका, ठीक है जी। इसको आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आपको डी एच बच्चों मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर इनटू आर, और यहाँ पे मुझे इसके साथ बेटे डी टी ऐड करना होगा, इट विल बी डी टी बेटा, राइट। अब टर्म्स को थोड़ा सा रीशफल और रीअरेंज कर लें जी, क्यों भैया? तो डी एच इट विल बी आई नॉट का स्क्वायर और इट विल बी बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी आ जाएगा जी। और हमें देखो बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट टाइम पीरियड में टोटल हीट प्रोड्यूस जो है वो बेटा निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एच जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी एच हो जाएगा जी, है ना। तो एच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, 0 से टी तक आ गया बेटा, राइट। जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। हाँ जी पुत्र जी। सो एच आपके पास आ गया, आई नॉट का स्क्वायर आपका बाहर आ गया जी, आर भी आपका कॉन्स्टेंट था, इट इज आल्सो देयर, इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं सारे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे लिखा जा सकता है जी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते ऐसे? अच्छा जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्या बात है जी। एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, अगर आपने नहीं कभी लिखा तो अब लिख सकते हो आप, ऐसे लिखा जा सकता है। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप इनको बेटे हैंडल कर सकते हो, ऐसे मैनेज कर सकते हो, राइट। चरणजोत पुत्र ठीक है, 2 को भी बाहर एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ जी, कौन सी बात नहीं समझ आई? अरे साइंस की, और ओमेगा टी आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी। हाँ जी बेटे, ये फॉर्मूला है हमारा, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं ना कर सकते। अगर आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, लिसन बेटा, आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो आप इंटीग्रेशन करते हो ना, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको कन्वर्शन करनी पड़ेगी। दैट इज वाई वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू दिस बेटा, राइट। अभिषेक ऑल वेल, ऑल राइट, ओके। सो देन एच जो है आपका, इट विल बी आई नॉट का स्क्वायर और आर आपका ऑलरेडी था, 2 आपने एडजस्ट कर लिया, ये भी कांस्टेंट है। भव्या इधर ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी कर दें, क्या कहते हो? हाँ जी पुत्र जी। अब आप इसको इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हो, आइए करके देखें। एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर अपॉन टी टू 1 इनटू टी डी टी, डी टी रहेगा, एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डी टी, टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये लीजिए टी कर दिया, हो गया। आई भी आई भी लाइक भी आई भी, माइनस का ये साइन एज इट इज वर्किंग। और कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रल, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रल, हाँ ठीक है, साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा। थोड़ा थोड़ा अपना भूलने लग गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट।
राइट क्यों अभिषेक? हाँ जी इट इज वर्किंग। हाँ जी चल रहा है सब कुछ। हो गया जी हो गया, चिंता मत किया करो आप। हाँ जी ध्यान तो दो आप लोग, आपको देखो आपको लाइट की चिंता ज्यादा, लाइट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर अपॉन टू हो गया जी, और पी का इंटीग्रल आपका कितना है ये कर लें, और चरण ज्योत इसको ऐसे दिया जा सकता है, जरा देखिएगा। हाँ जी बेटे राधिका कैसे है बताओ, कैसे है? इस पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है। हाँ हाँ जीरो टू टी है, अभिषेक हम क्लास में हैं, क्लास स्कूल में है राइट। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। वी विल हैव दिस फर्दर कैलकुलेटेड एट शांजी पुत्र। हाँ जी क्या ऐसे ही है, अब क्या करें? तो ये आपका पी और ये बेटे आपका माइनस वन बाई टू ओमेगा को आप टू पाई बाई टी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ओमेगा इज टू पाई बाई टी होता है, भूल गए। और साइन टू ओमेगा टी, साइन टू टू एस एच रह गया, ओमेगा टी ओमेगा कितना होता है टू पाई बाई टी, ये छोटा टी एस एच रह गया, ऐसा है अभिषेक। आइए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट्स डाल देते हैं। एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू, और रुक जाओ गुड़िया रुक जाओ जरा, माइनस टी अपॉन टू एंड टू फोर पाई, दिस इज बेटा। अब आप इसकी जगह पर ये वाला पुट करोगे, साइन फोर पाई टी से टी कट जाएगा, माइनस स्मॉल टी की वैल्यू पुट करेंगे ना पहले अपर लिमिट, टी से टी कट गया, फिर जीरो पुट किया, इट इज साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, साइन फोर पाई इज आल्सो जीरो, दिस कंप्लीट टर्म इट विल बी जीरो बेटा, जीरो राइट। एंड एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर इनटू टी बाय टू आ गया बेटा। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, लेट अस इमेजिन दैट वी हैव आई आर एम एस, आई रूट मीन स्क्वायर करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम इन द सेम वे, तो इसकी वजह से हीट कितना होगा, एच इज इक्वल टू आई आर एम एस आई स्क्वायर इनटू आर, टाइम भव्या कितना है बड़े वाला टी कैपिटल वाला टी, ठीक है, इनको आप इक्वेट कर दो दोनों को, आपके पास बेटे आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर इनटू टी, आई नॉट का स्क्वायर इनटू आर इनटू टी बाई टू, सी दिस इज गेटिंग कैंसल्ड एंड आई आर एम एस दिस इज आई नॉट अपॉन रूट टू, ये आपके पास आ जाएगा जी। आई अभिषेक आई आर एम एस 70.7% ऑफ आई नॉट आपके पास आपको मिल जाएगा।
आप इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हो, समझ सकते हो बेटा, राइट। आइए आगे चलें देन। हाँ जी पुत्र जी, इसको हाफ नहीं रूट टू है ना, हाँ 1.241। हाफ नहीं है बेटे, रूट टू टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स है ना, हाफ नहीं ना कह सकते हो। हाँ जी बेटे, जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे। हाँ जी ओके, नो प्रॉब्लम, आप खुद कर लोगे, बता दो आप मुझे, देख लो आपको, फिर देखो पेपर में तो आएगा। हाँ जी बेटे, सब में आएगा, सब में आएगा बेटा। नाउ द यस बेटे, आई नॉट डियर चिल्ड्रन, लेट अस हैव द केस ऑफ प्योर एसी अप्लाई टू ए प्योर रेजिस्टर। एसी अप्लाइड टू ए प्योर रेजिस्टर। बच्चों समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझेंगे सोचेंगे। इधर ये इमेजिन कर लीजिए, आपको एक प्योर रेजिस्टर दिया हुआ है। राधिका राधिका, रेजिस्टर ऐसा ही होता है, पक्की बात है। ये आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट जो है, आई जो है, इट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और वोल्टेज आपकी अगर बात करोगे, इट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज भी आपकी जो है ये साइन वेव की फॉर्म में ही रहती है। आर आपके बेटे इसका प्योर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी, राइट। आपके पास ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और आप जानते हैं इसमें से जो करंट फ्लो करेगा आई, आई आपका वी अपॉन आर होता है। वी की जगह पे क्या लिया हमने, ई। लेट अस सब्स्टिट्यूट कर दें, आई इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, राइट। ई नॉट बाई आर क्या होगा, क्या होता है वही पूछ रहा हूं मैं। B अपॉन आई क्या होता है, B अपॉन आर क्या होता है, P अपॉन आर क्या होगा, अरे आई होगा वो भी। सो आई विल बी इक्वल टू, इसको आई नॉट लिख दीजिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख दीजिए आप, राइट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, इनमें कोई फर्क लगता है फेज में, फेज डिफरेंस तो कोई नहीं है, दे आर इन सेम फेज। सो जब भी हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टर की, वी विल से दैट बेटा हेयर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इन फेज का मतलब कहां से, यहां से कंपेयर करके पता चलेगा ये, राइट। हाँ, फेज डिफरेंस नहीं ना आया कोई भी, जितना फेज इसका है उतना ही फेज इसका है। अब इसको बेटे सारे बच्चे जरा देखिएगा, इसको विद द हेल्प ऑफ ए फेजर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, फेजर डायग्राम आपको इनके फेजेस में जो डिफरेंसेस हैं वो इंडिकेट कर देता है। आपके पास बच्चों ये दो एक्सिस आ गए, ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और इस डायरेक्शन में आपने क्या लिया, वोल्टेज, दिस इज ई, और ये एंगल आपने कितना लेना है,
ओमेगा टी, ओमेगा टी बन रखा ना ये देखो इनिशियली, ठीक है। हाँ जी, और सेम फेज इधर भी है, आप यहाँ पे आई को भी इधर रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर आप बेटे देखो बी और ई को कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं, देन कॉरस्पॉन्डिंग पीक वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड। सपोज यू वॉन्ट टू टेक बी ई अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर एक्सिस, आई अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस, यू विल गेट ई नॉट, ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन दिस एक्सिस, यू विल गेट आई नॉट। ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ओमेगा इज गिविंग यू द फेज एंगल, एंड दिस होल सेटअप इज जस्ट कन्वेइंग टू यू दैट इन द केस ऑफ ए प्योर रेजिस्टर द अल्टरनेटिंग करंट एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज दीज आर इन सेम फेज, और इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि करंट आगे चल रहा है वोल्टेज पीछे चल रही है, या वोल्टेज आगे चल रही है करंट पीछे चल रहा है, प्योर रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों बराबर चलते हैं, इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, राइट। आगे बात करेंगे जब हम प्योर इंडक्टर की और कैपेसिटर की, उनमें फर्क पड़ जाएगा बेटे। आइए देखें, अगर ये क्लियर है तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे चलूं बेटे। भव्या, चरणजोत, आप थोड़े बड़े हो जाइए, आपको मौका मिलेगा, इधर मिलेगा मौका आपको। वही और वरीड, सो आइए आइए बेटे, आगे हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ प्योर एसी अप्लाई टू ए प्योर इंडक्टर। यू कैन राइट डाउन एसी अप्लाई टू ए प्योर इंडक्टर बेटा, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर, इंडक्टर को आप कैसे अप्लाई करोगे प्योर एसी को, आइए देखें। ये आपका बेटे इंडक्टर, हाँ जी बेटे, इंडक्टर इज ए सॉर्ट ऑफ कॉइल इन दी फॉर्म ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग, एंड इट्स बेसिक रोल इज टू डिले द ग्रोथ एज वेल एज द डिके ऑफ द करंट थ्रू इट। जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये खाली आपकी करंट की फ्लो को अपोज करता है, ये अपोज नहीं करता, ये उसकी ग्रोथ को डिले करता है, और जो करंट कम हो रहा है उसके कम होने को भी डिले कर देता है, राइट। हाँ, करंट को एकदम से मैक्सिमम नहीं होने देता और मैक्सिमम को एकदम से जीरो नहीं होने देता। आइए देखें, एल इसका आप सेल्फ इंडक्शन कर चुके हो ऑलरेडी, प्योर एसी आपने अप्लाई किया तो क्रॉस का इंडक्टर ये चीज बन गई। अभिषेक, जब हम ये एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें एक बैक ईएमएफ डेवलप होता है, कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ दैट बैक ईएमएफ बेटा। अभी यस भी कहा करो ना, E is equal to minus L di by dt नहीं दिया था आपने, है ना बेटा। हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि आप एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखें, आपको बैक EMF के अपोजिट डायरेक्शन में कम से कम इसके बराबर की EMF अटैच करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, राइट। इट मींस दैट आपका अप्लाइड EMF जो है ये बेटे इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब आपको E ऑलरेडी पता ही है, यू मेक ऑल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, L को इस तरफ एडजस्ट कर लीजिए, E अपॉन L आपके पास आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, E की वैल्यू डाल दें, डी आई बाई डी टी इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल कर लें। चरणजोत क्या कहते हो, डी आई विल बी इक्वल टू ई नॉट
अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी कर लें बच्चों। हाँ जी राधिका, अभिषेक उधर, इधर एंड इधर, क्लियर? इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी आई इंटीग्रल ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी कर लें बेटा। आप इंटीग्रल सॉल्व करवाओगे? राधिका करवाएगी, राधा कह रही। बोलो बेटे राधिका, आई इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखू मैं? पहले तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज ई नॉट अपॉन एल एडजस्टेड आउटसाइड, लेट मी री राइट इट, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। अब लिखवाइए राधिका, हाँ करवाओ, करवाइए चेंज। हाँ जी हाँ जी, जो भी लिखना है लिखवाइए, क्या लिखूं मैं? इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी को क्या लिखूं? माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन ओमेगा, ये आप नहीं बात कर रहे हो। सो आई जो है आपका, आई विल बी इक्वल टू बेटे ई नॉट अपॉन एल, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, राइट बेटा? कैपिटल एल कहाँ पे है? ये यही है, इसको एडजस्ट कर ले बार, कर लेना चाहिए, है ना? आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और बच्चों ये आपके पास बन गया माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तभी इसके साथ कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन में है ये कॉस में है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन तो बराबर वालों में होता है ना, तो ये साइन का है ये कॉस का, कैसे कंपेयर कर पाएंगे? अभिषेक बिल्कुल, आई विल बी इक्वल टू, ये चीज जरा देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में ओमेगा इनटू एल जो है इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ई नॉट अपॉन एक्स एल इट इज कॉल्ड, और इसको आप लिख लोगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस क्या होता है? करंट। सो आई इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन और टू को कंपेयर करिएगा जरा, आपको फेज डिफरेंस में क्या बेटा यहां पे ऑब्जर्वेशन होता है? ये आपका इनिशियल फेज इसका ओमेगा टी अगर है तो ये उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब आप बात करोगे प्योर इंडक्टर की, करंट आगे होगा, सॉरी करंट वोल्टेज आगे होगी, करंट उससे 90 डिग्री पीछे चलेगा बाय फेज एंगल। इस चीज को हम कुछ इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। आइए देखें, अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपके पास बच्चों समथिंग लाइक दिस बेटा आ जाएगा। ये आपके पास बेटे वोल्टेज अलोंग दिस एक्सिस, करंट अलोंग दिस एक्सिस, ये ओरिजिन है आपकी। वोल्टेज ने इनिशियली ओमेगा टी, इसका फेस है पुत्र, ध्यान दीजिएगा, इतना ही बनाया हुआ है ना, है देखो है। अब अगर करंट इससे 90 डिग्री पीछे तो मैं किधर को बनाऊं करंट? अभिषेक कुछ कह रहा है, हाँ क्या कह रहे हैं पुत्र? ये आपका करंट 90 डिग्री पीछे रह गया, दिस इज योर आई, ठीक। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखना चाहूं तो बच्चों ये आपको आई नॉट मिल जाएगा, इतना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा इधर ई नॉट मिल जाएगा, यू विल गेट इट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फेजर डायग्राम आप इंडिकेट कर सकते हो आपका वोल्टेज ई इट इज अहेड ऑफ द करंट आई बाई ए फेज एंगल 90 डिग्री, ओमेगा नहीं 90 डिग्री,
अब और थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, एक्सएल के बारे में बात करके देखें, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, एक्सएल क्या है। हाँ जी बेटे अभिषेक, हाँ जी बस करने लगे हैं। इट इज ओमेगा एल, एक मिनट लूंगा आपका हार्डली। ओमेगा आपका बेटे 2π μ होता है, पुट कर दें, एक्सएल इज 2π μ इंटू एल। अगर आप प्योर डीसी की बात करोगे, प्योर डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। बेटे सुनो जरा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर इंडक्टर को डीसी बिल्कुल भी, प्योर इंडक्टर डीसी को बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, डीसी को पास करने देगा अपने में से इजीली। और अगर आप बात करोगे प्योर एसी की, आपका न्यू 50 Hz है और आपका एक्सएल कितना आ गया, 2π μ इंटू एल, जितना भी होगा इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द प्योर अल्टरनेटिंग करंट। सो विद दिस बेटा बाकी फिर कल करते हैं। थैंक यू ऑल।